नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। ईडी कार्रवाई जो है जिस तरीके से बढ़ती ही जा रही है दिल्ली में, उस कार्रवाई को देख करके अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि मनीष सिसोदिया की जो यहां पर रिमांड लगने वाली है वो अब सिर्फ 7 दिन या 5 दिन की मोहताज नहीं है, वो रिमांड अब लंबी लगने वाली है। और इस बात को लेकर के जो है कोई भी यहाँ पर मनाही नहीं कर सकता, क्योंकि जो रिपोर्ट इस वक्त हमें देखने को मिल रही है उस रिपोर्ट के जरिए जो है यही तस्वीर खुल करके सामने आ रही है। आप सभी को बता दें कि मनीष सिसोदिया जो अभी कोर्ट और यहाँ पर ईडी के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक और बुरी खबर आई है। बुरी खबर ये है कि मनीष सिसोदिया का जो घर जो उन्हें आवंटित किया गया था वो घर भी अब उनसे लिया जा रहा है और वो घर अब यहाँ पर जो है आतिशी के नाम पर होगा। हालांकि इसके ऊपर जो है केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई। केजरीवाल ने अपनी तरफ से साफ कहा कि इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, मनीष सिसोदिया को इतनी जल्दबाजी में बाहर क्यों निकाला जा रहा है। उसके बाद से जो है उनके परिवार के लिए यहाँ पर फैसला ये निकल करके आया कि अगले 5 दिन का जो समय है वो उनके परिवार को दिया जाएगा घर के अंदर बिताने के लिए, लेकिन 5 दिन के बाद घर को खाली करना होगा। अब यहाँ पर ये समझना बेहद जरूरी है कि मनीष सिसोदिया को लेकर के जो इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं, आखिरकार उन चर्चाओं में जो है अंकुश कब लगेगा और मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले से जो है छुटकारा कब पाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया जो है इस वक्त बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ये बात बिल्कुल साफ है कि मनीष सिसोदिया के लिए जो इस वक्त खतरे की घंटी है वो आम आदमी पार्टी, शराब नीति और ईडी कार्रवाई के बीच में जो उनके लिए डिजिटल सबूत मिल रहे हैं वो है। अब इन डिजिटल सबूत के आधार पर मनीष सिसोदिया के आगे चलकर के गिरफ्तारी के पैमाने पर और आगे बढ़ते जाएंगे, जेल के अंदर ही आगे का समय बिताएंगे या फिर यहाँ पर वो बाहर निकल करके आएंगे। इस तमाम चीजों पर हमारी नजर बरकरार है, हम आगे आप तक जो है तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि परिवार के लिए जो है इस वक्त बेहद ही दुखद समय है, क्योंकि एक तरफ जो है मनीष सिसोदिया जेल में, दूसरी तरफ उनके पास से उनका घर भी चला गया। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो है अरविंद केजरीवाल अपने टीम के सबसे अहम किरदार को कैसे बचाते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पोर्टल। बाय।